टूमैन के पास त्रिवेणी नदी के तेज बहाव में कमर तक फंसी ये शख्स हैं अशोकनगर के विधायक जसपाल सिंह जज जी। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर तपानी के तेज बहाव में खड़े होकर इनका कहना है कि कुछ लोग डंडोतियापुरा में फंसे हुए हैं, उनको सिर्फ हेलीकॉप्टर की मदद से ही निकाला जा सकता है क्योंकि उन तक पहुंच पाना मुश्किल है, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। दो तीन प्रयास किए भी जा चुके मगर लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। ऐसी परिस्थितियों में इनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सिंधिया से तत्काल मदद के लिए गुहार लगानी पड़ी और वो भी जहां खड़े थे उसी अवस्था में जल के बीच में पानी में भरे होकर। उल्लेखनीय है कि सुबह से ही विधायक जसपाल सिंह जज जी SDRF की टीम के साथ बचाव कार्य में लगे हैं। बोट लेकर खुद निकले थे लोगों को निकालने के लिए, कई स्थानों पर लोगों को निकाला, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सुबह से ही जब उनको लगा कि अब पानी की स्थितियां खराब हो रही हैं, वो निकल चुके थे अपने घर से। इसके पहले उन्होंने लोगों से अपील की थी कि पानी का खतरा बढ़ सकता है, बढ़ेगा भी, इसलिए लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। मगर कई सारे लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि पानी इतनी ज़्यादा मात्रा में आएगा कि उन्हें निकलने तक का मौका नहीं मिलेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिन लोगों के लिए प्रयास कर रहे थे, देर शाम होते से पहले 5 लोगों को और रेस्क्यू कर लिया है। इसके अलग एक नई तस्वीर ये है कि विधायक अपने लोगों को निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के लोगों को प्रयास कर रहे हैं, मगर पानी ने उनके घर को भी नहीं बख्शा। भादौन के पास उनका जो घर है, पैतृक निवास है, उसमें करीब करीब 2 से 3 फुट तक पानी भर चुका है और ये करीब 2-3 घंटे के बीच में इस हालात में रहा कि घर का सारा सामान गीला हो गया और विधायक का पूरा निवास और परिवार के लोग इधर उधर किसी भी तरह सुरक्षित रहे। हाँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और श्रीमान महाराज से निवेदन कर रहा हूँ कि अशोकनगर क्षेत्र में मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये अशोकनगर से 12-14 किलोमीटर दूर टूमैन है, वहाँ की ये नदी का चारों तरफ बहुत भयानक रूप देख रहे हैं और यहाँ पे लोग फंसे हैं, वहाँ पे रेस्क्यू टीम भी नहीं पहुँच पा रही है और होमगार्ड की रेस्क्यू टीम मेरे साथ है लेकिन वहाँ पे पहुँचने में असमर्थ हैं हम लोग। तो आपसे निवेदन है कि हेलीकॉप्टर के बगैर वहाँ से रेस्क्यू नहीं हो पा रहा, तो आप जितनी जल्दी हो सके हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराने की कोशिश करें माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज साहब और अशोकनगर के लिए, और काफ़ी बहुत भयावह स्थिति है। आपसे निवेदन है जितना जल्दी हो सके हेलीकॉप्टर की व्यवस्था अशोकनगर में कराने की कृपा करें। टॉर्च मुझे दे दो सर, मैं आपके फेस बोला। बालाई सरकार की जय। और ये दिन भर से हमारी होमगार्ड की रेस्क्यू टीम यहाँ प्रयास कर रही थी और बहुत प्रयास के बाद और रात में अब जाके सक्सेस हो गए। ये 5 लोगों का रेस्क्यू किया जो बहुत ज़्यादा खतरे में थे, बहुत अंदर थे। दिन में 2 बार प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए थे और आखिरी में 3री बार किया और सफल हो गए और सारे सुरक्षित सारे लोगों को बाहर निकाल लिया है। और सारे लोग इसमें ग्रामीण जनों का बहुत ज़बरदस्त सहयोग रहा, सारे गांव ने सहयोग किया और ईश्वरी कृपा से, हनुमान जी कृपा से सारे लोग सुरक्षित। बोलो बालाई सरकार की जय।